Hello, this is Nidhi and this is lecture number 4 of the fundamental unit of life. Last lecture में हमने diffusion and osmosis के बारे में पढ़ा था and ये देखा था कि जब हम RBC को isotonic, hypertonic and hypotonic solution में रखते हैं तो RBC के ऊपर क्या effect आता है. आज हम पढ़ेंगे osmosis के types and difference between diffusion and osmosis. तो अगर मैं osmosis की बात करूँ तो ऑस्मोसिस दो टाइप में क्लासिफाइड होती है, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस. अब याद रखना जो एंडो वर्ड होता है इसका मतलब अंदर एंड ये जो एक्स वर्ड कभी भी आते हैं तो इसका मतलब होता है बाहर. ठीक है. अब ऑस्मोसिस आपको मैंने बताया था कि ऑस्मोसिस क्या होती है, वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन. अब जब मैं एंडोस्मोसिस की बात कर रही हूँ तो मैंने इसमें क्या बोला, एंडो का मतलब अंदर, कि जब वाटर सेल के अंदर मूव करता है तो उस ऑस्मोसिस को कहा जाता है एंडो ऑस्मोसिस और जब वाटर सेल से बाहर चला जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सो ऑस्मोसिस. अब एंडोस्मोसिस कब होगी, अब हाइपरटोनिक में होगी या हाइपरटोनिक में होगी. अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम सेल को हाइपरटोनिक कंडीशन में रखते हैं, दिस इज हाइपरटोनिक कंडीशन, तो क्या होता है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है तो जो वाटर है वो अंदर से बाहर आ जाता है. तो क्या हुआ, ये एक्सोस्मोसिस हुई या एंडोस्मोसिस हुई, ये हुई है एक्सोस्मोसिस, मतलब जो वाटर है वो काम मूव कर गया, सेल से बाहर मूव कर गया. जब हम इसको हाइपोटोनिक कंडीशन में रखते हैं तो हाइपो में क्या होते हैं, वो वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है तो जो वाटर है वो अंदर के टुवर्ड मूव कर जाएगा. अब अंदर मूव किया है तो क्या होगी, एंडोस्मोसिस होगी. तो हम क्या कह सकते हैं कि एंडोस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल when placed in hypotonic condition. और exosmosis क्या होगा, the movement of water outside the cell when placed in hypertonic condition. तो ये होगी हमारी एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस. एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हम लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड या मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड तो यहाँ मेंशन करना मत भूलना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि बिना सेमी परमेबल के ऑस्मोसिस ओकर नहीं होगी. यहाँ पे भी आप लिख सकते हो थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंस की.
तो पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि ओस्मोसिस में सिर्फ वाटर की मूवमेंट होती है, मतलब ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में होकर होता है, लेकिन डिफ्यूजन लिक्विड में भी हो सकती है एंड गैस में भी हो सकती है. इट कैन ओकर बोथ इन लिक्विड एंड गैशियस मूवमेंट. गैशियस मीडियम ऑस्मोसिस क्या होती है, ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में होती है. तो पहला पॉइंट बन जाता है, इट ओकर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम. नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल का उसकी हाई कंसंट्रेशन से उसकी लो कंसंट्रेशन में मूव कर जाना. लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर चीज़ें डिसोल्व हो रही हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन. तो इसमें कोई भी मॉलिक्यूल जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ कौन जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएगा. तो डिफ्यूजन क्या बताया, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन. और ये क्या बताया मैंने आपको, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन नेक्स्ट आ जाता है. मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मस्ट है, लेकिन इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो या नहीं हो ज़रूरी नहीं है, ये बिना सेमी परमिएबल के भी हो सकती है. इट डू नॉट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और इसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है, तो इट रिक्वायर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो डिफ्यूजन है वो काइनेटिक एनर्जी से अफेक्ट हो जाती है. मतलब काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है, लेकिन ऑस्मोसिस पे काइनेटिक एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं होता. इनफैक्ट ऑस्मोसिस सोल्यूट मॉलिक्यूल से अफेक्टेड होती है, कि जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट का बढ़ाओगे उतनी फास्टली क्या होती है, ऑस्मोसिस होती है. तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या बन जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. एंड इसमें क्या आ जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स
प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो ये हैं हमारे कुछ डिफरेंस डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस में। नेक्स्ट बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट की। अब बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ? बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि लार्ज अमाउंट में जब कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है सेल के अंदर तो उसको कहा जाता है बल्क ट्रांसपोर्ट। कि थोड़ी बहुत अमाउंट नहीं, जब थोड़ी ज़्यादा अमाउंट सेल के अंदर ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो, उसको कहा जाता है बल्क ट्रांसपोर्ट। अब बल्क ट्रांसपोर्ट दो तरीके की होती है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अभी मैंने आपको बताया था एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि इनसाइड मूवमेंट, एंड एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड मूवमेंट। कि जब सेल के बाहर कुछ जाता है उसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस, एंड जब सेल के अंदर कुछ आता है उसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। जो एंडोसाइटोसिस होती है ये फर्दर दो टाइप में क्लासिफाइड होती है, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। इसमें जो ये टर्म है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये टर्म आपका बहुत रिपीटेड है बायोलॉजी में, 10th में भी 9th में भी अगेन ये रिपीट होगा कि इट एक्ट एज ए फैगोसाइटोसिस, इट इज फैगोसाइटिक इन नेचर। ठीक है, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर मूवमेंट, इनसाइड मूवमेंट। अब डिपेंड करता है सेल के अंदर क्या मूव कर रहा है, लिक्विड भी मूव कर सकता है एंड सॉलिड भी मूव कर सकता है। अगर बल्क में कोई सॉलिड चीज़ अंदर मूव कर रही है उसको कहा जाता है फैगोसाइटोसिस, एंड अगर सेल के अंदर कुछ लिक्विड सब्सटेंस जा रहा है तो उसको कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो सॉलिड जा रहा है तो इसको हम सेल ईटिंग भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई सॉलिड सब्सटेंस खाते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम ईट कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम ड्रिंक कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम उसको ईट कर रहे हैं। तो फैगोसाइटोसिस को हम कहते हैं सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस में लिक्विड सब्सटेंस जा रहा है तो उसको कहा जाता है सेल ड्रिंकिंग। और आप इन दोनों में डिफरेंस इससे भी याद रख सकते हो, पिनो मतलब पीना, तो पिया तो लिक्विड ही जाता है, तो सेल ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस होता है एंड सेल ईटिंग क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होते हैं। तो मैं एंडोसाइटोसिस को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, कि द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब अगर वो इनवर्ड मूवमेंट लिक्विड की हो रही है तो इसको कहते हैं हम पिनोसाइटोसिस, एंड सॉलिड सब्सटेंस की हो रही है तो उसको कहते हैं हम सेल ईटिंग। ये इनवर्ड मूवमेंट है सॉलिड सब्सटेंस की, ये इनवर्ड मूवमेंट है लिक्विड सब्सटेंस की। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया भी था, अमीबा, कि वो सूडोपोडिया की हेल्प से अपना फूड एनगल्फ कर लेता है, तो वो एक तरीके से क्या है, फैगोसाइटोसिस है। ठीक है, कि जो सेल है वो क्या कर रहा है, एनगल्फ कर रहा है अपने फूड को। तो हम ये भी कह सकते हैं इनवर्ड मूवमेंट और एनगल्फिंग ऑफ द सब्सटेंस। कहाँ से लेगा इस सब्सटेंस को, एनवायरमेंट से लेगा, तो आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐड करना चाहो, फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। नेक्स्ट आता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या बताया था मैंने आपको, बाहर मूवमेंट। तो अगर ऐसे कोई भी सब्सटेंस सेल के जब बाहर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस, मतलब द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस outside the cell is called as through a semi permeable membrane
इज कॉल्ड एज एग्जोसाइटोसिस। तो ये हमारी बल्क ट्रांसपोर्ट होती है, तो दो टाइप में क्लासिफाइड होती है, एंडो एंड एक्सो। एंडो फर्दर दो टाइप में आती है, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। पिनो मतलब लिक्विड्स सब्सटेंस की इनवर्ड मूवमेंट, और फैगो मतलब किसी सॉलिड सब्सटेंस की इनवर्ड मूवमेंट। तो अब अपने ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ा, अब जो ट्रांसपोर्ट होती है ध्यान से सुनना, वो दो टाइप में होती है, पैसिव एंड एक्टिव। अब पैसिव और एक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस या तो सेल के अंदर जा रहा है या सेल के बाहर आ रहा है विदाउट टेकिंग एनर्जी, मतलब बिना एनर्जी के वो अंदर चला जा रहा है और बिना एनर्जी के वो बाहर आ पा रहा है, तो उस टाइप की ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। मीन्स ट्रांसपोर्ट विदाउट एक्सपेंडिचर, मतलब यूज होना, ऑफ एनर्जी। तो अगर पैसिव बिना एनर्जी के, तो एक्टिव क्या होगी, एक्टिव विद एनर्जी होगी। मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब जो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, यही दो टाइप में क्लासिफाइड होती है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और जो ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है। अब आप लोगों को लग रहा है एटीपी क्या है, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब थ्री, ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये एनर्जी की वो फॉर्म है जो बॉडी यूज करती है, क्लियर है, आपकी बॉडी जिस एनर्जी को यूज करती है वेरियस पर्पस के लिए, वो एटीपी ही होती है। तो ये हमारी ट्रांसपोर्ट होगी यहाँ पे ख़त्म, एंड इसके साथ हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फिनिश होती है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि सेल वॉल एक एक्स्ट्रा लेयर है प्लांट सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। तो इट इज एन एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। अगर बात करते हैं तो ये रिजिड होती है, रिजिड मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है रिजिड, एक होती है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जो ईजिली आप जिसको मूव करवा पाओ, रिजिड जो हिल नहीं सकता। जैसे हम बात करते हैं किसी भी टेबल की, आप टेबल की किसी भी पर्टिकुलर साइड को आप हिला नहीं सकते हो बीच में से, ठीक है, मतलब बीच में से आप हिला नहीं सकते तो टूट जाएगी वो। तो उस टाइप को हम कहते हैं रिजिड, कि अपनी जगह पे वो रुका हुआ है, वो हिल नहीं सकता। तो ये रिजिड होती है, परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल नहीं होती है। क्या होती है ये, परमिएबल होती है, नॉन लिविंग होती है एंड थिन लेयर होती है। अब अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें,
आपने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है, लेकिन जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो ये वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर मैं फंगी की बात करूं तो फंगी के अंदर ये काइटिन की बनी होती है। दिस इज़ नॉट चिटिन, दिस इज काइटिन। काइटिन एक तरीके की कार्बोहाइड्रेट या शुगर होते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज अगेन एक तरीके की कॉम्प्लेक्स शुगर है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, एंजिन मोलिकुल से बनती है वो भी डिफर करते हैं। एंड बैक्टीरिया के अंदर ये बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकन की, ठीक है। सभी बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ कुछ में होती है और उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स है जो प्रोटीन एंड शुगर से मिलके बना है। अब जो ये सेल वॉल है प्लांट्स के अंदर, ये दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जैसे कोई भी सेल यंग है तो जो सेल वॉल वो प्रोसेस करता है उसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। धीरे धीरे वही जो प्राइमरी सेल वॉल है वो डिविजन शो करती है एंड अंदर एक और लेयर बना लेती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी होती है एंड लिग्निन एक हार्ड सब्सटेंस है, नॉन परमिएबल सब्सटेंस है, और वो सेल को क्या बना देता है, डेड। मतलब जब तक सेल के ऊपर प्राइमरी सेल वॉल है सेल लिविंग है, जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है सेल क्या हो जाता है, डेड। तो जो सेल वॉल है ये दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड दूसरी होती है सेकेंडरी, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी वाली है क्या करती है, जो प्राइमरी सेल वॉल है डिवाइड एंड फॉर्म एंड इनर लेयर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। एंड जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये क्या होती है, किसकी बनी होती है, ये फॉर्म्ड ऑफ लिग्निन, लिग्निन की बनी हुई होती है। जो लिग्निन है ये इम्परमीएबल सब्सटेंस होता है एंड मेक द सेल डेड। ये क्या करता है, मेक द सेल डेड। मतलब सेल जब तक लिविंग है, जब तक प्राइमरी सेल वॉल है, जैसे सेकेंडरी आएगी सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब बात करते हैं सेल वॉल के फंक्शन की। जब हम बात करते हैं सेल वॉल के फंक्शन की तो सेल वॉल चार फंक्शन शो करता है। तो सेल वॉल चार फंक्शन शो करती है। पहला आता है इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, कि जो सेल है उसको एक डिफाइंड शेप देने का काम कौन करती है, सेल वॉल। नेक्स्ट की बात करते हैं इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम सेल वॉल करती है। कि आपको पता है कि प्लांट को बाहर खड़ा रहना पड़ता है और हर हार्श कंडीशन उसको झेलनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करती है, सेल वॉल। नेक्स्ट बताया था मैंने आपको परमीएबल है तो सब्सटेंस का एक्सचेंज करवा रही होगी, तो इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस एस इट इज परमीएबल, क्योंकि ये क्या है, परमीएबल है। तो लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी, सेल को इंजरी से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये हो गई हमारी सेल वॉल ख़त्म। अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट को पढ़ लिया है, सेल वॉल ख़त्म हो गई है। अब बच गया हमारा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल।